अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नाज़िया अनवर और मैं आ गई हूँ अपना एक और ब्लॉग लेकर आपके सामने। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सपोर्ट कीजिएगा आगे बढ़ने के लिए। ये सुबह हो रही है, बिल्कुल सुबह का टाइम है। ये जयान अभी सो रहा है, बाकी सब भी सो रहे हैं। मैं आज जल्दी उठ गई थी, पता नहीं बस नींद नहीं आई मुझे, तो मैंने सोचा चलो कुछ काम निपटा लेती हूँ अपना। मैं चली गई ऊपर। वैसे तो मैं झाड़ू लगाने मतलब सफाई करने ऊपर की जाती हूँ, बाद में मैंने वीडियो में भी डाला है यहाँ का काम निपटा के नीचे का तब जाती हूँ मैं ऊपर। लेकिन आज मैं ऊपर पहले ही चली गई थी सुबह में ही, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ जाकर और बाकी एक दो काम निपटा लेती हूँ। अभी ये रूम की लाइट बंद है, अंधेरा भी हो रहा है, इतनी रोशनी नहीं हुई है सुबह सुबह, अभी इतनी सुबह नहीं हुई है। अभी मौसम थोड़ा वैसा ही है देरा वाला। और ये रखा था मैंने पानी रात ही भिगो कर तांबे के गिलास में पीने के लिए। कहते हैं कि फ़ायदा देता है, फ़ायदेमंद होता है ये, इसीलिए मैं रख कर गई थी। थोड़ा अलग टेस्ट लगा इसका, नॉर्मल नहीं था बिल्कुल। और ये जयान कल लाया था टॉयज़ अपना और ये इसने तोड़ दिया, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये मैंने सोचा कि बस झाड़ू लगा देती हूँ मैं, सफ़ाई कर देती हूँ, बाद में टाइम बच जाएगा मेरा ही। तो फिर मैंने की अपने कमरे की सफ़ाई, झाड़ू वगैरह लगाई सब में से, सारे में से साफ़ किया मैंने, झाड़ू वगैरह दी। फिर बात का टाइम बच जाता है इसीलिए मैं आ गई थी ऊपर, नींद भी नहीं आ रही थी नीचे मुझे। अभी तो बाकी सब सो रहे हैं, कोई उठा नहीं इतना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आई यहाँ पर, दिन खिला खिला लग रहा था। मैंने बाहर देखा, ये देखो अब धूप निकल आई है, अब थोड़ी देर हो गई है, मैं तब से ऊपर ही हूँ, नीचे नहीं गई क्योंकि कोई उठा नहीं था। उठ चुके हैं मेरी जेठानी वगैरह, उठ चुकी हैं। ये मैंने मशीन में डालने के लिए कपड़े, क्योंकि कपड़े हो गए थे जयान के और मेरे दो तीन जोड़ी, तो मैंने ये पानी डाला मशीन में। अभी इसके कपड़े डालूंगी और फिर बाद में चाय नाश्ते के बाद आके निकालूंगी। अभी नहीं निकालूंगी, अभी बस डाल के चली जाऊँगी, धुल जाएंगे ये इतने। मेरे भी और जयान के भी कपड़े हो गए थे, ये मैंने डाल दिए कपड़े, सर्फ और पानी, मैं डालकर चली जाऊंगी। इतने ही हो जाएंगे, इतने में नीचे से आऊँगी। 9:10 बज जाते हैं मुझे आने में ऊपर। आज थोड़ा काम जल्दी निमट गया मेरा, क्योंकि मैं सुबह में आ गई इस वजह से। अभी नाश्ते के लिए नीचे जाना है, ये कपड़े मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब मैं चलती हूँ नीचे, लाइट बंद कर दी है मैंने कमरे की अपने। मैं चलती हूँ नीचे, सामने का दरवाज़ा भी खुला है, वो बंद करना है क्योंकि वो बंदर आ जाते हैं, बंदरों का डर होता है आने का। ये देखिए रोशनी कितनी प्यारी लग रही है सुबह सुबह की, बंदर आने का डर होता है ना सुबह सुबह, इस वजह से बंद करके ही जाते हैं नीचे, वरना तो फिर वो आ जाते हैं सामने के गेट से अंदर। अब चलते हैं नीचे। जीने पे भी काफ़ी धूल सी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज यहाँ की भी झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि धूल जम जाती है ना काफ़ी, इसलिए मैंने सोचा नीचे उतरते उतरते यहाँ की भी झाड़ू लगा दूँगी साथ में। फिर मैंने यहाँ की भी साफ़ कर दिया था धूल। और ये जयान अभी सो रहा है, मैंने इसको ला के दिया फीडर दूध, ये दूध पीने फिर उठ जाता है तो पीता नहीं है, सोते हुए पी लेता है, मैं दे देती हूँ इसको। ये दूध पी रहा है, दे दिया मैंने इसको दूध पीने के लिए। मैं चलती हूँ किचन की तरफ, देखते हैं किचन में क्या हाल है, कौन उठा कौन नहीं उठा भी। और बाकी लगभग उठ चुके हैं सब, मेरे सास ससुर भी और जेठानी भी, वो चाय पी रही हैं बैठी हुई। सुबह सुबह में मैं नहीं पीती, बाकी सब पीते हैं चाय, मुझे आदत नहीं है। हमारे यहाँ पे चाय कुछ ज़्यादा ही पी जाती है, आप भी सोचते होंगे हर वक्त बस चाय चाय बनाती रहती है, क्योंकि बनती दो तीन टाइम है। बहुत ज़्यादा शौक है मेरे, मतलब यहाँ पर लोगों को पीने का, हमारे घर पे बिजनौर में। और अब ये सुबह की बन रही है चाय नाश्ते में, मेरी नंद की दोनों लड़कियाँ आई हुई हैं, इस वजह से थोड़ी ज़्यादा चाय बन रही है आज। और ये मैं रख देती हूँ चाय बनाने के लिए। अभी वो उठी नहीं है, दोनों सो रही हैं, कल आई थी वो, उनका दिल कर रहा था आने के लिए, इसलिए वो अपनी नानी के यहाँ पर आ गई थी। उनकी बड़ी लड़की जो है वो यहीं पर पढ़ती है बिजनौर में, गंज से बिजनौर आना पड़ता है उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, इसलिए वो यहीं पर आती है। तो वो छोटी वाली भी उसके साथ में आ गई थी अपनी नानी के यहाँ पर, उसका दिल कर रहा था आने के लिए बच्चों में।
अच्छा है आ गई थी तो बच्चे भी खुश हो गए थे, उसके साथ में बहुत खुश हो रहे थे खेल के, क्योंकि बच्चों को तो कोई भी मिल जाता है तो उसके साथ में खुश हो जाते हैं। दिल लग रहा था उनका भी अच्छा, काफ़ी रात तक खेलते रहे रात ये दोनों बच्चे। और ये मैंने डाल दी है चीनी पत्ती चाय में, और जयान के लिए मंगवाया है मैंने अंडा, क्योंकि उसको अंडा बहुत पसंद है खाने में उबाल कर। जर्दी नहीं देती हूँ मैं, ज़्यादा गर्म हो जाए कभी बच्चों के हिसाब से, क्योंकि वो दवाई वगैरह खाता रहता है, उसकी अभी तबीयत ख़राब हो गई थी पीछे, बुखार आ गया था उसको, इस वजह से मैं उसे कम ही देती हूँ जर्दी। मतलब अभी इतना वो नहीं है ना मौसम, इतना मतलब इतना भी गर्म नहीं हुआ है अभी, मतलब ठंडा नहीं हुआ है, गर्म कह रही मैं, ठंडा नहीं हुआ अभी मौसम, अभी गर्म ही है थोड़ा। मतलब दोनों तरह का होता है, कभी अगर जैसे पंखा चलाओ तो लगती है ठंड और पंखा ना चलाओ तो लगती है गर्मी, ऐसे ही होता रहता है। और अभी आटा गूंद लिया था उन्होंने, मेरी जेठानी ने, सुबह में वही गूंदती है, शाम में मैं गूंदती हूँ। और ये तवा रख दिया था मैंने, वो हम दोनों मतलब दोनों मिलकर पकाते हैं रोटी, नाश्ता वगैरह खाना सब मतलब मिलकर साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बटा हुआ है हमारा काम। अभी मैं यहाँ पकवा रही थी रोटी उनके साथ में, वो मुझे बेल कर दे रही थी चकला बेलन से, और मैं सेक रही थी रोटी। और हम ऐसे ही साथ में बनाते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं, अच्छा टाइम पास होता रहता है, वरना काम में इतना वो नहीं होता ना, दिल नहीं लगता फिर, मतलब एक इंसान बोर सा हो जाता है। दोनों मिलकर कर लेते हैं हम दोनों काम, अच्छी आदत की है वो बहुत, मेरी बड़ी बहन जैसी बिल्कुल। और ये मैं रोटी यहाँ पर सेक रही हूँ, वो मुझे बढ़ा बढ़ा कर दे रही हैं यहीं पर, शाम में मैं बढ़ा देती हूँ, सुबह में वो बढ़ा देती है, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं हम खुद ही से, ना डिसाइड कर लिया हमने कि हम किस तरह से करते हैं काम, एक टाइम हमारा बन चुका है दोनों का इस तरह से काम करने में। और ये मेरी फूली फूली रोटियाँ बन रही हैं, आ जाएँ आप भी नाश्ता कर लें गर्मा गर्म रोटी के साथ में। और हमारे घर ऐसे होता है मतलब कुछ लोग पराठा खाते हैं, कुछ लोग रोटी खाते हैं, मेरे ससुर जो हैं वो ज़्यादा रोटी ही खाते हैं, तो इस वजह से आप आधी रोटियाँ बनाते हैं और आधे पराठे बनाते हैं। पराठों का शौक़ वैसे मुझे भी है, मैं भी ज़्यादातर पराठे ही खाती हूँ, रोटी मतलब कभी कभार खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही हो जाता है। तो हम बना रहे हैं रोटी और पराठे दोनों, और जो मेरी नंद की लड़की आई हूँ उनसे भी मालूम किया हमने कि क्या खाओगी, तो वो भी कहने लगी कि पराठे खाऊंगी मामी। हमने कहा चलो ठीक है पराठे ही बना देते हैं इनके लिए, तो हमने आधी रोटी बनाई और आधे पराठे। और आप भी बताना, इसलिए हम दोनों चीज़ें बनाते हैं। और साद और जयान तो बस ऐसे ही हैं, अगर वो सुबह में दूध पी लेते हैं तो नाश्ता मतलब देरी से करते हैं दोनों, मलाई से रोटी खाते हैं बस, सब्ज़ी वगैरह तो अभी बच्चे हैं तो इस वजह से मिर्ची वगैरह लग जाती है, उन्हें आदत डाल रहे हैं धीरे धीरे खिलाने की, वैसे तो 3 साल के हो गए, खा लेनी चाहिए उन्हें अब, लेकिन फिर भी कम ही खाते हैं अभी। और ये है अंडा जयान के लिए मंगवाया था मैंने, और पराठे का तवा रख दिया है मैंने, अब पराठे बना रही है बच्चों के लिए। और सब धीरे धीरे उठते जा रहे हैं, जयान भी उठ चुका है, साद भी उठ चुका है, अबू बकर तो पहले ही उठ जाता है, छोटा बच्चा, पता नहीं ऐसा ज़रूर होता है, मतलब बच्चे जब छोटे होते हैं ना तब तो उन्हें इतनी नींद नहीं आती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं उनका स्कूल का टाइम होने लगता है तो तब उनकी नींद बढ़ जाती है, वो मतलब स्कूल के टाइम पर उठते नहीं हैं, वो कितना भी उठा उन्हें, और वैसे वो सोते नहीं हैं, जब मतलब टाइम होता है उनका तब वो सोते नहीं हैं। ये आदत ज़रूर होती है बच्चों में, खुद ही कुदरती होती है ये आदत, बच्चे भी बस ऐसे होते हैं। और अब मैं बना रही हूँ पराठे सबके लिए, मैं और मेरी जेठानी दोनों मिलकर पराठे बना रहे हैं। आप भी बताना आपके घर पे पराठे बनते हैं या रोटी या ब्रेड चाय, मतलब कौन क्या खाता है बताइएगा कमेंट में। और कितने बजे नाश्ता करते हैं, हमारे यहाँ पे लगभग 9 बजे तक नाश्ता हो जाता है, 9 बजे से पहले पहले हम नाश्ता कर लेते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि 9 बजे के बाद करते हैं, 8 बजे के बाद करते हैं, हम मतलब लिमिट उसमें नॉर्मल टाइम में कर लेते हैं, ये नहीं कि देर सवेर से, इस तरह से हो जाता है हमारा जल्दी। 10 बजे तक हमारा ज़्यादातर काम निमट जाता है सारा। आप बताना आपके यहाँ पर कितने बजे नाश्ता करते हैं। और ये मैं धीरे धीरे सेक लूँगी रोटियाँ पराठे, मतलब पराठे सेक लूँगी मैं धीरे धीरे। और आलिया उठ चुकी है, आलिया नाम है उसका, मेरी नंद की लड़की का, आलिया एक का शहबा नाम है। आलिया उठ चुकी है, शहबा भी उठ चुकी है, दोनों वो धो रही है मुँह हाथ, और अब गरम गरम पराठे, इसीलिए हमने बाद में बनाने स्टार्ट किए ताकि गरम गरम खा सके सब।
और ये हमारे होने लगे हैं पराठे तैयार। धीरे धीरे उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। सपोर्ट कीजिएगा, एक दूसरे को सपोर्ट करने से इंसान आगे बढ़ता है। और अब ये हमने बना लिए थे पराठे, हम दस्तरखान बिछ चुका है और ये अंडा रखा हुआ था, तो अभी अंडा उबालना है जयान का और इसके दादा का, दोनों के लिए अंडे उबालने हैं, उनको भी खाना है अंडा। वो देसी अंडा दिया था उनके भतीजे ने उन्हें, तो वो बुलवा रहे हैं, तो उबाल के खाएंगे। और ये पराठे तैयार हो चुके हैं हमारे, दस्तरखान बिछ चुका है, ये चाय खोल रही है इधर, और अब हम लेके जाएंगे। ये नाश्ता चाय हमारा हो गया है और ये बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं नाश्ते के बाद के, इतने सारे बर्तन भी इकट्ठे हो गए हैं देखो ये सब। अब इन बर्तनों को धोना है, निपटाना है। अब मैं आ गई थी ऊपर काम करके, किचन का सारा साफ़ सफाई। ये बच्चे खेल रहे थे दोनों यहाँ पर बैठे हुए, और जो मैंने कपड़े डाले थे उनको भी निकाल दिया था मैंने एक बार आकर ऊपर, और अब ये दूसरे डाल दिए हैं इसमें। अब इनको रस्सी पर डाल दूँगी सूखने के लिए, ये मशीन में सूख गए थे, अब इन्हें रस्सी पर डालना है मुझे निकाल कर मशीन में से। एक बार मैं निकाल चुकी थी, मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, उसमें थोड़ी सी ये मैंने डाल दिए थे ऊपर आकर। और ये साध है, ये भी जा रहा है आगे, जयान भी अपना खेल में लगा है, गाड़ी चला रहा है अपनी। ये देखो ज़रा सी इसे खाली मिल जाती है ना, तो फ़ौरन से बैठ जाता है गाड़ी पर, चलाने लगता है। ये देखो मेरा कंघा कहाँ पर डाला है इन्होंने लाकर, बच्चे मतलब कमरे में से चीज़ें लाकर बाहर डाल देते हैं, फैला देते हैं सब। मैं इसको रख दूँगी कंघे को ले जाकर अपने कमरे में, अपनी जगह पर। मैं जब तक ऊपर रहती हूँ तब तक लाइट वगैरह सब जला देती हूँ रूम की, जब नीचे जाती हूँ बंद कर देती हूँ, हल्की वाली जला देती हूँ, जो हल्की वाली लाइट लगी हुई है मेरे रूम में। और जयान चला रहा है अपनी गाड़ी जाल पर से, यहाँ को चला रहा है। मैंने कर लिए थे कपड़े चेंज अपने, मैंने पहना है ब्लैक फ्रॉक, और ये मेरे से कह रही थी कि नीचे चलो, ये मना कर रहा था जाने के लिए, फिर आ गया कि चलो चलते हैं नीचे। फिर मैं इसको लेकर गई नीचे, गए फिर हम, लगभग 11 का टाइम हो चुका था। मैंने ब्लैक फ्रॉक पहन लिया था अपना, और जो कपड़े थे मेरे वो धोकर डाल दिए थे। असल में रात जयान गिर गया था जीने से, उसका दांत टूट गया था, तो उसके खून वगैरह मेरे कपड़ों पे लग गया था, उसमें से निकला था ना, बहुत रो रहा था वो बेचारे का, एक दांत टूट गया उसका, दिखाऊंगी आपको। और ये मैंने रख दिया है गोश्त अखनी करने के लिए, आज हम बना रहे हैं बिरयानी। चावल भीगे हुए हैं, भिगो दिए थे चावल, उधर बन रही है चाय। और ये मैंने यहाँ पर रख दिया है कुकर, रात वो बेचारा गिर गया, उसका दांत टूट गया एक सामने का, एक दांत निकल कर पता नहीं कहाँ गया, मिला भी नहीं वो तो अभी तक, अचानक कहाँ चला गया उसका दांत टूट कर। और ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज लहसुन, ये चावल भी गए हैं। मैं इसको लगा दूँगी ढक्कन कुकर का, और मेरी वीडियो में आपको आवाज़ आएगी बाहर की, उसको स्किप कीजिएगा क्योंकि बाहर बच्चे बोल रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ जहाँ पर, वहाँ बाहर गली से बच्चों की आवाज़ आ रही है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये दंगा कर रहे हैं। अरे मैंने एक गोश्त रख दिया गरम करने के लिए, क्योंकि दो दिन का ले आते हैं हमारे ससुर, फिर जाना नहीं पड़ता ना, रोज़ रोज़ दूर है हमारे यहाँ पर, मतलब मार्केट दूर है थोड़ी, तो वहीं पर मिलता है गोश्त, इसलिए अगले दिन का ला कर रख देते हैं, वो मार्केट से लाए थे तो वो हम गर्म करके रख देते हैं, उसमें नमक वगैरह डालकर रख देते हैं। ये लाए थे पपीता बच्चों के लिए, और ये सिंगाड़े लाए थे, वो जयान ने खा लिए थे अपने सिंगाड़े। और अब मैं ये रख देती हूँ पपीता भी और सिंगाड़े भी। ये दही लेकर आए थे, रायता भी बनाना है बिरयानी के साथ में, और अचार की चटनी। आप बताना आपको बिरयानी के साथ में क्या पसंद है, रायता या चटनी, किसको क्या पसंद है बताना ज़रूर कमेंट में। और अब मैं निकाल कर रख दूँगी दही इसमें से, क्योंकि बंद रहेगी तो इसमें आ जाएगी खट्टी, क्योंकि अभी मौसम ऐसा नहीं है, अभी आ जाती है सर्दी होती है तो फिर भी चीज़ें ख़राब होने का इतना डर नहीं रहता ज़्यादा। अभी मौसम थोड़ा इतना ठंडा नहीं हुआ है, ठंडे मौसम में डर नहीं रहता किसी भी चीज़ का ख़राब होने का, चाहे एक दिन लेट हो जाए गर्म करने में या कुछ भी, इतना डर नहीं होता है। मैं रख दूँगी इसको ढक कर, प्लेट में निकाल कर मैंने रख दिया है। यहाँ पर रखा है हमारा डस्टबिन, मैंने इसमें डाल दिया है कचरा। और ये सामने लेटे हैं जयान के दादाजी,
अब्बा कहते हैं बच्चे अपने दादा को, अब्बा कहते हैं, और ये है मुरब्बा, पता नहीं किस चीज़ का है, मुझे नाम तो नहीं पता इसका। लेकर आए थे ये बड़े भाई के लिए, उनको खाने के लिए किसी चीज़ की वजह से लेकर आए थे। और ये किचन के ना मैं फ़ौरन से मतलब सफाई कर देती हूँ, फिर अच्छा नहीं लगता सामान ये फैला हुआ किचन में। यहाँ पे मतलब साफ साफ से अच्छा लगता है, जगह भी नहीं बचती। हमारी किचन इतनी बड़ी भी नहीं है ज़्यादा कि सब मेरे को सामान फैला दे फिर भी जगह बची रहे, इतनी बड़ी नहीं है जैसे बड़ी बड़ी होती है, नॉर्मल सी है मतलब मीडियम सी। और ये चावल रखे हुए भीगे हुए, दोनों चीज़ बन रही है। और ये जयान का मैंने शर्ट चेंज की है आज, पैंट नहीं चेंज की, मुँह धो दिया था इसका और ये चेंज कर दी थी। ये इसकी बड़े अम्मी कपड़े धो रही है, मैं इसकी शर्ट ही चेंज करने आई थी ऊपर, वो गंदी सी लग रही थी मुझे, तो मैंने सोचा निकाल देती हूँ उसको, मशीन में डल जाएगी। और ये बिरयानी का मसाला पीसने जा रही हूँ मैं, गरम मसाला, प्याज और लहसुन है थोड़ा सा, बिरयानी के लिए पीसने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो हम मतलब मिक्सर में भी पीस लेते हैं, लेकिन बस जो थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए जो मतलब कम होती है उसके लिए अच्छा नहीं लगता चलाना, मिक्सी को उठाओ उसको चलाओ, मतलब थोड़ी वो लगती है उलझन सी, इसलिए बस सिल पे पीस लेते हैं थोड़ी सी चीज़ एकदम से। यहाँ पे मुझे ईजी लगता है पीसना, इसलिए मैं सिल पे पीसने के लिए आ गई थी। और यहाँ पे मैंने पीस दिया है मसाला बिरयानी का, और ये यखनी हो गई है, गोश्त भी गर्म हो गया है सब। और ये रायता है, चटनी हरी पीसी थी, ये रायता बनेगा इसका। और ये चावल बन रहे हैं, चढ़ा दिए थे बनने के लिए। ये प्याज काटी है अचार की चटनी में डालने के लिए, अचार की चटनी है ये। और ये आटा गूंदा है, ये मेरे ससुर के लिए, वो रोटी खाते हैं ज़्यादातर, वो चावल खाना पसंद नहीं करते। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा, अगर पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और ये हमारा बिछ गया दस्तरखान, और ये अब हम खा रहे हैं खाना। आइए आप भी खा लीजिए, दोपहर का टाइम हो चुका है, मैं खाना खा लिया, जयान सो गया, अबू बकर भी सो गया, ये दोनों बच्चे सो गए हैं। और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ नमाज, नमाज का टाइम भी हो गया है, नमाज़ पढ़ के फिर मैं आराम करूँगी। मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, ख्याल रखिएगा अपना आप सब और सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।